नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। जैसे कि हमने अपने पिछली वीडियो में देखा कि ट्रांसपोर्टेशन किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, तो अपना भारत देश जैसे इतना बड़ा फैला हुआ है, जैसे नॉर्थ साउथ हो, ईस्ट वेस्ट हो, तो इंडिया में रोड नेटवर्क, रोड ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट है। जैसे कि भारत का पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट रोड नेटवर्क पे ही डिपेंड है, और भारत का रोड नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा दो नंबर का रोड नेटवर्क है। और इसके साथ ही भारत का जो भी अभी कॉरिडर्स बने हुए, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसे अलग टाइप के ऐसे कॉरिडर बने हुए हैं। अभी भारत में ये जो भी रोड्स है, ये रोड कौन कौन से टाइप्स के रोड है, तो उसका डिज़ाइन और क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम डिटेल देखेंगे। तो उसका कुछ फैक्टर्स है, वो फैक्टर के हिसाब से रोड का क्या क्या टाइप्स है, क्लासिफिकेशन है, ये आज हम डिटेल देखेंगे। अभी हम देखेंगे रोड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। ये कुछ सात मेजर फैक्टर है, उसके हिसाब से जो टाइप्स ऑफ रोड्स है उनका हम डिटेल देखेंगे। सबसे पहला है मटेरियल, उसके बाद है लोकेशन एंड फंक्शन, उसके बाद है ट्रैफिक वैल्यू, उसके बाद इकोनॉमी, उसके बाद ट्रैफिक टाइप, उसके बाद रिजिडिटी, और उसके बाद टोपोग्राफी। अभी सबसे पहला मटेरियल, मटेरियल में कौन कौन से टाइप्स है। पहला है अर्दन रोड्स, मेनली सॉइल या फिर अर्दन मटेरियल से बनाया जाता है। दूसरा है ग्रेवल रोड्स, जो भी ग्रेवल से ही बनाया जाता है, ज़्यादातर ग्रेवल यूज किया जाता है। तीसरा है मुरुम रोड, इसमें मुरुम का इस्तेमाल किया होता है। चौथा है कंकर रोड, इसमें कंकर का इस्तेमाल होता है। पांचवा है WBM रोड, WBM मतलब वाटर बाउंड मैकाडम रोड। उसके बाद है बिटुमिनस रोड, उसके बाद है कंक्रीट रोड्स। अभी लोकेशन एंड फंक्शन के हिसाब से, पहला है एक्सप्रेस हाईवे, दूसरा है नेशनल हाईवे, तीसरा है स्टेट हाईवे, फिर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, फिर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, लास्ट वाला है रूरल और विलेज रोड। ट्रैफिक के हिसाब से, लाइट ट्रैफिक, मीडियम ट्रैफिक, हाई ट्रैफिक। इसके बाद इकोनॉमी के हिसाब से, लो कॉस्ट रोड, मीडियम कॉस्ट रोड, हाई कॉस्ट रोड। उसके बाद ट्रैफिक के हिसाब से, पेडेस्ट्रियन वे, उसके बाद में साइकिल ट्रैक और मोटरवे, कौन कौन सा ट्रैफिक जा रहा है उसके ऊपर ये तीन प्रकार है। इसके बाद में रिजिडिटी, फ्लेक्सिबल रोड या रिजिड रोड, फ्लेक्सिबल पेमेंट या फिर रिजिड पेमेंट। फ्लेक्सिबल में मेनली बिटुमिनस का आता है, और रिजिड में कॉन्क्रीट रोड आता है। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब प्लेन एरिया रोड्स और हिली एरिया रोड्स। अभी हम देखेंगे इंडियन हाईवे में कुछ माइलस्टोन कलर्स और कलर का कोड्स रहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो एक मेन हाईवे में रोड पे जाएंगे तो उधर आपको ये स्टोन्स दिखेंगे, जैसे माइलस्टोन या फिर मार्किंग स्टोन बोलते हैं उसको। सबसे पहला है जैसे नेशनल हाईवे का, नेशनल हाईवे का जैसे ऊपर में येलो रहता है और नीचे व्हाइट रहता है, जैसे इधर आप देख सकते हैं येलो और व्हाइट, जैसे भी प्रिंटेड रेखा है कोई भी सिटी का नाम और उतना किलोमीटर। उसके बाद में स्टेट हाईवे का जैसे ऊपर में ग्रीन रहता है और नीचे व्हाइट रहता है। डिस्ट्रिक्ट रोड का देखेंगे तो ऊपर में ब्लैक रहता है और नीचे व्हाइट रहता है, और अगर रूरल या फिर विलेज रोड देखेंगे तो ऊपर में ऑरेंज और रेड दिखता है और नीचे ब्लैक व्हाइट रहता है। लोकेशन और फंक्शन के हिसाब से रोड के छह टाइप्स हैं। सबसे पहला है एक्सप्रेसवे, उसके बाद है नेशनल हाईवे, उसके बाद है स्टेट हाईवे, इसके बाद है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, उसके बाद है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, और उसके बाद लास्ट में है विलेज रोड या फिर रूरल रोड। सबसे पहले एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे जैसे नाम से ये आपको पता चलता है कि यहाँ ज़्यादा स्पीड या फिर पावर ड्रिवन व्हीकल के लिए, स्पीडी व्हीकल के लिए ये रोड रहता है। इस रोड के लिए एकदम हाई स्पीड जरूरी है, जैसे 80 to 120 किलोमीटर पर आवर का स्पीड के हिसाब से ये डिज़ाइन किया जाता है। इसमें दोनों एंट्री और एग्जिट दोनों के लिए रैंप प्रोवाइड किया जाता है, और इस एक्सप्रेस हाईवे में पार्किंग, लोडिंग, अनलोडिंग कुछ भी अलाउ नहीं रहता। एक्सप्रेस वे मेनली मोर देन फोर लेन, जैसे 6 लेन, 8 लेन या 10 लेन के होते हैं। अभी अपने भारत देश में टोटली ऑलमोस्ट 1650 किलोमीटर के एक्सप्रेस वे ऑपरेशनल है। जैसे भी इसमें एग्जाम्पल बोले देखो, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे जैसे ये जो अभी चालू है, शुरू हुई है,
उसके बाद है दिल्ली मेरठ, जैसे अभी रिसेंटली वो ओपन हुआ ट्रैफिक के लिए। उसके बाद अभी मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, वो भी एक बहुत सारे एक्सप्रेसवे में से एक बड़ा एक्सप्रेसवे जो अभी इसका कंस्ट्रक्शन शुरू है। एक्सप्रेसवे का जो भी ऑपरेशन मेंटेनेंस जो भी रहता है वो पूरा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जैसे मार्क बोलते हैं उससे होता है। उसके बाद है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे मेन रोड है जो देश की जैसे लेंथ और विड्थ के हिसाब से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इसके हिसाब से वो पूरा सब जगह फैला हुआ है। वो नॉर्थ जो भी नेशनल हाईवे है वो पूरा कैपिटल मतलब देश के कैपिटल को अलग अलग लार्ज टाउन से पोर्ट से इंडस्ट्रियल टाउन से स्टेट कैपिटल से कनेक्ट रहता है। ये नेशनल हाईवे पे स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस रहता है एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पोर्टेंस भी रहता है। नेशनल हाईवे का विड्थ जो भी हो 7 मीटर से 15 मीटर तक रहता है। और इसमें नेशनल हाईवे में एक इम्पॉर्टेंट लिंक जैसे नेटवर्क ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है, जैसे भी पैसेंजर या फिर गुड्स हो दोनों के लिए नेशनल हाईवे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेशनल हाईवे बहुत ही फास्ट और हेवी ट्रैफिक कैरी करता है। इसका फर्दर क्लासिफिकेशन कैरेज वे या नेशनल हाईवे में हाईवे में करते हैं। कैरेज वे मतलब जहाँ से पूरा व्हीकल पास होते हैं। अभी नेशनल हाईवे के साइड में सर्विस रोड भी प्रोवाइड किया जाता है। नेशनल हाईवे का जो भी कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस है पूरा NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंट्रोल करते हैं। नेशनल हाईवे में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जैसे जाना जाता है जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, उसके साथ ही नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये चारों को कनेक्ट किया हुआ ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है। अपने भारत देश में लगभग 151,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज है और बाकी नए भी अभी बन रहे हैं। कुछ एग्जांपल बोले नेशनल हाईवे का एग्जांपल अगर देना है तो दिल्ली आगरा कानपुर कोलकाता जैसे NH2 हो गया, उसके बाद भाई आगरा मुंबई NH3 हो गया, अमृतसर अम्बाला दिल्ली रोड NH1 हो गया। नेशनल हाईवे का स्पीड मिनिमम जनरली 80 किलोमीटर पर आवर रखते हैं। और नेशनल हाईवे का जो भी नंबरिंग रहता है वो जैसे NH1 NH2 NH3 इस हिसाब से रहता है। अभी पुराना जो NH7 था वो अभी करंटली उसको NH44 माने जाते हैं। ये NH4 भारत का सबसे लंबा लेंथ के हिसाब से सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। इसका लेंथ टोटल 3,745 किलोमीटर है और जो पूरा नॉर्थ से साउथ कवर करता है। नॉर्थ में श्रीनगर से स्टार्ट होता है और साउथ में कन्याकुमारी को एंड होता है। इसके बाद है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे एक इम्पॉर्टेंट जैसे आर्टरीज ऑफ ट्रैफिक विद इन अ स्टेट है। ये स्टेट हाईवे स्टेट के मेन सिटीज को कनेक्ट करता है एज वेल एज स्टेट के डिस्ट्रिक्ट टाउन या फिर मेजर डिस्ट्रिक्ट टाउन है उसको स्टेट कैपिटल से कनेक्ट करता है। इसके साथ ही ये स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे को भी एक्सेस देता है या फिर कनेक्ट करता है। ये स्टेट हाईवे स्टेट के इंटरनल ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे भी गुड्स ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर इंडस्ट्रियल जो भी है उसके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए स्टेट हाईवे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी टोटल लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे इन इंडिया मतलब भारत में अभी तक का टोटल लेंथ है 131,000 किलोमीटर। स्टेट हाईवे जैसे स्टेट कैपिटल को कनेक्ट करता है, स्टेट मेजर डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है एज वेल एज जो सराउंडिंग या फिर पड़ोसी राज्य है उनके हाईवे उसको भी कनेक्ट करता है। स्टेट हाईवे मिनिमम 2 लेन का होता है और इसमें मेनली विड्थ उसका 7 मीटर से 10 मीटर तक रहता है। स्टेट हाईवे जनरली मीडियम ट्रैफिक कैरी करता है और उसके साथ ही ये इसका और नेशनल हाईवे का जो डिजाइन स्पीड और डिजाइन स्पेसिफिकेशन है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए लगभग सेम रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। स्टेट हाईवे का जो भी कंट्रोलर है या फिर उसको स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या फिर PWD वो स्टेट हाईवे को पूरा कंट्रोल करते हैं। भारत देश में महाराष्ट्र राज्य में स्टेट हाईवे का सबसे ज़्यादा शेयर है। अभी हम बात करेंगे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या है? मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड मतलब द इम्पॉर्टेंट रोड्स विद इन द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी रोड्स है इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करते हैं एज वेल एज
उस स्टेट कैपिटल को भी कनेक्ट करते हैं। मेन डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट रहते हैं। और एक मेजर डिस्ट्रिक्ट और सिटीज या फिर वो डिस्ट्रिक्ट के जो इम्पोर्टेंट टाउन है उनको भी कनेक्ट करते हैं, और ये रोड नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट को भी या फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उसको भी कनेक्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड इसके साथ तालुका प्लेस, इसके साथ और जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ है स्टेट कैपिटल को भी कनेक्ट करते हैं। इस डिस्ट्रिक्ट रोड का विड्थ 5 मीटर टू 1 मीटर रहता है। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में मॉडरेट ट्रैफिक रहता है, इसमें जिला परिषद या फिर ZP बोलते हैं वो फुली ये मेजर डिस्ट्रिक्ट को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को कंट्रोल करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो भी उस रहता है वो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के डेवलपमेंट के लिए ग्रांट या परमिशन देता है और उस ZP के थ्रू उसका डेवलपमेंट होता है। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, जैसे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। अभी भारत देश में टोटल डिस्ट्रिक्ट रोड 561,940 किलोमीटर है। अभी हम बात करेंगे अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। ये अदर डिस्ट्रिक्ट रोड डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी रूरल एरियाज है जहाँ प्रोडक्शन कनेक्शन एग्रीकल्चर है उसको और मार्केट को कनेक्ट करने के लिए या फिर उसको आउटलेट के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये अदर डिस्ट्रिक्ट रोड रखते हैं। ये अदर डिस्ट्रिक्ट रोड तालुका हेडक्वार्टर्स, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स, अदर मेन रोड्स इनको भी कनेक्ट करते हैं। अभी इसके बाद है लास्ट विलेज व रूरल रोड्स। ये रूरल रोड्स या फिर विलेज रोड है ये मेनली किसी गांव में जो भी रोड्स रहते हैं, इसके साथ ही जो आसपास में सारे गांव है वो गांव का ग्रुप रहता है वो ग्रुप को भी कनेक्टिंग इंटरकनेक्टिंग रोड्स रहते हैं वो विलेज रोड या फिर रूरल रोड बोलते हैं। ये मेनली रूरल रोड या फिर विलेज रोड्स है, ये अर्दन रोड ही रहते हैं, ज़्यादातर ग्रेवल रोड रहते हैं और ये नेबरिंग जो भी पड़ोसी विलेज को कनेक्टेड रहते हैं। इसका जनरली विड्थ 3 मीटर तक रहता है और इसमें एकदम लाइट ट्रैफिक रहता है। इस विलेज रोड का मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन मेनली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स उसके लिए जैसे खेती वगैरह उसके लिए ज़्यादातर यूज होता है। ये विलेज रोड डिस्ट्रिक्ट रोड को या अदर डिस्ट्रिक्ट रोड को कनेक्ट करते हैं। विलेज रोड या फिर रूरल रोड है जनरली 1 लेन ही रहता है और इसका जो भी रिस्पॉन्स कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस जो भी हो ग्राम पंचायत या फिर उधर का रूरल लोकल अथॉरिटी रहता है। अभी अपने भारत देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के हिसाब से ये रूरल जो भी विलेज रोड या फिर रूरल रोड का डेवलपमेंट शुरू है। अपने भारत देश में विलेज रोड या फिर रूरल रोड लगभग 42 लाख किलोमीटर। तो दोस्तों ये रहा अपना आज का टॉपिक। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।